मैं स्वाति हूँ। मैं ओडिशा से बिलोंग करती हूँ और जो मेरा विलेज है पोरकला कोलाहांडी डिस्ट्रिक्ट। और मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और मैं जैसे कि अभी जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक लाइक स्टार्ट किया है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स लीडर करके, वो एक ये एक नेशनल आई मीन लाइक मोमेंट है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। एंड आई मीन इंटरनेशनली भी हमको हम इसे इंटरनेशनली भी हम उसको देखते हैं। इतना ज्यादा क्यों है जो कास्ट बेस्ड वायलेंस लाइक हम जब जब देखते हैं। अभी मैं भी क्योंकि मेरा जो रिसर्च टॉपिक है ना, मेरा दलित वुमेन एजुकेशन इन हायर एजुकेशन है, तो उसमें मैं भी कास्ट और जेंडर को ही देख रही हूँ, उनका जो भी एक्सपीरियंस क्या जर्नी हायर एजुकेशन में। तो मुझे ये एक थियोरिटिकल भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है। जब हम दलित वुमेन जो भी जो कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है पर्टिकुलरली अगेंस्ट सम यू नो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, हम जब जब ये बोलते हैं हम कि दलित बोलते हैं या ट्राइबल बोलते हैं, मोस्टली ये लोगों के ऊपर बहुत होता है। तो ये जैसे कि हम क्यों होता है जो हम जब देखते हैं कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि हम ये भी एक जैसे कि ब्राह्मिनिकल पेट्रियार्की बोलेंगे या जो बाबा साहेब का जो टर्मिनोलॉजी है ब्राह्मिनिकल पेट्रियार्की और ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। तो उसी में क्या है ग्रेडेड इनइक्वालिटी में जो अपर कास्ट होते हैं जैसे कि हम वो लोग बहुत सारे लाइक यू नो मोस्ट प्रिविलेज होते हैं, उनको सब कुछ राइट मिलता है अपॉर्चुनिटी मिलता है। और उसमें जब हम अपर कास्ट के वुमेन की बात भी करते हैं उनको भी ये बोला जाता है कि वो लोग लाइक मोर प्रिविलेज इन द सेंस वो लोगों को भी लाइक ब्राह्मण ब्राह्मीण मैन से मतलब थोड़ा कम होता है, वो भी कम होता है। बट वो लोग भी एक उनको भी हर हर आई मीन सेक्टर में या एजुकेशन में या जस्टिस में भी वो लोगों को कुछ भी होता है तो वो लोगों को जस्टिस मिलता है। बट हम जब ये बोलते हैं कि जब दलित की बात होता है हमें यहाँ पे मोस्ट डिप्राइव हो जाते हैं, डिप्राइव इन द सेंस ऑफ कम्युनिटी जो सोसाइटी के हम पूरा नीचे दबके ये हो जाते हैं। इकोनॉमिकली भी आप देखो या सोशली भी देखो या पॉलिटिकली देखो या लीगली और एडमिनिस्ट्रेटिव वे में भी हम देख सकते हैं। तो हमें कुछ भी यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे मूवमेंट हुआ है तब कुछ राइट्स मिले हैं, एजुकेशन हो या रिजर्वेशन हो या और कुछ बहुत सारे पॉलिटिकली भी। बट क्या होता है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में ही जैसे कि लिखा हो जाता है लेकिन जितना लागू होना चाहिए वो लागू नहीं होता है। और क्यों वायलेंस होता है क्योंकि हमारे पास इतना इकोनॉमी भी नहीं है और हमारे पास कोई लाइक पॉलिटिकली भी हम लोग इतने हमारे लोग रिप्रेजेंट करते हैं बहुत बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं है पॉलिटिकल भी हम देखेंगे तो उसके वजह से ये दलित वुमेन के ऊपर डबल डिस्क्रिमिनेशन होता है। और वो लोगों को पता है क्योंकि सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता है। आप बहुत सारे केसेस ऑलरेडी मतलब डेली बेसिस पे हम लोगों को केसेस हैंडल करना पड़ता है। ओडिशा में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कास्ट बेस्ड वायलेंस, जैसे कि बलांगीर में एक दो केस हुआ है, कलाहंडी में भी हुआ है रिसेंटली, और कोरापुट में भी बहुत बड़ा वो लाइक कुंडली या तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो क्या होता है हम लोगों को एक अफेयर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो आप इमेजिन करो कि हम मतलब किस लेवल पे ये सोसाइटी है। ये लोग कुछ लोग बोलते हैं कि वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, बट हम लोगों को एक दलित वुमेन का रेप केस को लाइक पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करने के लिए लोगों को इतना जो दलित कम्युनिटी को प्रोटेस्ट करना पड़ता है बार 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 बार, तब जे लोग कुछ मजबूरी में बोल केस एक्चुअली फाइल होता है। तो जब भी फाइल होता है तो भी वो यू नो क्योंकि वो लोग सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इतना पावरफुल है तो केस को दबा देते हैं, अब वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और क्योंकि और वो डरा धमका को डरा धमका के ये कहा जाता है कि नहीं आप लोग केस वापस ले लो। तो ऐसे करके इसीलिए क्योंकि एक कास्ट तो बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, इकोनॉमिक भी लगता है मुझे कि ये भी इकोनॉमिक भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और पॉलिटिकली भी हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं है और हमारे लोग पॉलिटिकली भी इतना यू नो पॉलिटिकल स्पेस में नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटिव में देखो तो मोस्टली इतना नहीं है, और वो लोग उनका जो पावर है उस बहुत हेवी होता है। तो वो लोग इजीली एक दलित वुमेन के ऊपर अटैक करके उनको को पता है कुछ नहीं होगा करके, इसीलिए वो लोग इजीली अटैक करके वो लोग
चला जाते हैं ऐसे। हाँ देखो, हमें कोर्ट से जस्टिस नहीं मिलने वाला है या पुलिस स्टेशन से जस्टिस नहीं मिलने वाला है, हमें एक सोसाइटी में एक 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 एनवायरमेंट क्रिएट करना है सोसाइटी में, जो कि एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट दे सकते हैं और एक दूसरे के अच्छे से रह सकते हैं, जो इक्वलिटी फ्रेटर्निटी का जो यू नो कॉन्सेप्ट है और जो भी आइडिया है, हमें सोसाइटी में हमारा कम्युनिटी में हमें लागू करना है। और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि यू नो कास्ट इतना मतलब माइंड में लोगों के खून में इतना भरा पड़ा है, और जो जो जेंडर भी है इतना मतलब घर में ही स्टार्ट होता है, तो ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट को भी एक एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और जो भी प्रोग्राम है और जो भी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है कास्ट बेस्ड सेक्सुअल वायलेंस को लेके या जेंडर को लेके, वो करना है। और हर इंसान का एक हर यू नो एवरी पर्सन शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दिस लाइक ये, अदरवाइज हम कोर्ट में जाके तो कभी, ये इंडिया में तो मुझे कितना, ये लोग इतना पैट्रियार्की है ना, तो अभी जो भी जजमेंट सुनाए थे ना, एक लड़की को जो भी रेप हुआ है उसको रेपिस्ट के साथ शादी करना, तो अब कैसे मतलब क्या बोलेंगे ये लोगों को। तो मुझे मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगता है हम जब तक हमारा सोसाइटी में हम लोग इक्वली नहीं रह सकते, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा कम्युनिटी से लेके सोसाइटी तक, तब तक हम एक सोशल जस्टिस का इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको एक सोशल जस्टिस के लिए हमारे सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा या प्रोग्राम करना पड़ेगा, बहुत सारे चीजें करना पड़ेगा, तब जे हम कुछ बोल सकते हैं कि हाँ तो सोशल जस्टिस, हम सोशली सोसाइटी में अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छा से नहीं रह सकते हैं तो कोर्ट क्या करेगा। जो मेरा सोशलाइजेशन हुआ है मेरा ऐसे नहीं हुआ है, जैसे कि एक हम मैट्रियकल फैमिली का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, तो मेरे एवरीथिंग मेरा मम्मी थी एक्चुअली, तो मेरे पापा से इतना कुछ मेरा है भी नहीं, और पहले मेरे बचपन से कुछ भी ऐसा नहीं था, मुझे कोई रोक टोक नहीं था, ऐसे पढ़ाई में बहुत सारे मुझे ये लोग सपोर्ट मिला, अभी भी मुझे कुछ कोई नहीं बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब कुछ नहीं करो, ये करो शादी करो, तो घर में मेरा जो घर को देखती हूँ वो टोटली डिफरेंट, टोटली अपोजिट ऑफ आर कम्युनिटी और द सोसाइटी, मैं ऐसे बोलूंगी, क्योंकि ये मेरा जो पैट्रियार्कल फैमिली बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा जो मम्मी थी, अभी तो मेरे मम्मी नहीं है, तो पास आउट हो गई, तो जरा मम्मी थी तो एवरी जो भी लोगों का एजुकेशन है, मेरा सिबलिंग हो, सब लोगों का एजुकेशन लेके, घर का जो भी फाइनेंशियल इश्यू हो, एवरीथिंग, द ओनली वन पर्सन यू नो वो सब कुछ देखती थी। तो मेरे पापा से इतना या कुछ भी मुझे इतना नहीं है, अभी भी नहीं, अभी तो मैं इतना हो गई, तो मैं पहले से भी, मेरा बचपन से भी मैंने किसी को कुछ नहीं पूछती थी, जो भी बोलती थी तो मैं मम्मी को बोलती थी एजुकेशन के बारे में, और मेरा बचपन से एजुकेशन फोकस रहा, तो अभी तो मेरा मैं खुद का मैं ही करती हूँ पेज, तो ऐसा है। बट जो मैं कम्युनिटी को देखती हूँ मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि वो अपोजिट है, जो भी नेबर है या ये सारे चीजें हैं, फिर भी एक लड़कियों को चैलेंजिंग, मैं मेरा अकेले का एक्सपीरियंस मैं जनरलाइज नहीं कर सकती हूँ सोसाइटी में या कम्युनिटी में, क्योंकि इसीलिए हर लड़की को बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है, घर के बाहर जाने से घर को पूछना पड़ता है, तो बहुत चैलेंजिंग है एवरी वे। अब एजुकेशन को भी बहुत सारे जेंडर वाइज प्रेफरेंस देते हैं, तो ये है। हाँ देखो, ये जो भी सोशल मूवमेंट में बस आइडिया में भी नहीं होता है, आइडिया तो चाहिए और मैन पावर चाहिए, हमको फिजिकली भी आना है और एक इकोनॉमिकल भी सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियली हमें भी सपोर्ट चाहिए होता है, और एक यूनिटी होता है, एक यूनिटी, क्योंकि ना हम सोशल मूवमेंट में है लेकिन हमारे अंदर ही इतना यू नो इतना ये है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, मैंने ये देखा है एज कल सो कॉल्ड अम्बेडकराइट मूवमेंट हो या दलित मूवमेंट हो या वुमेन्स मूवमेंट हो या हमारा जो दलित वुमेन्स का इश्यूज हो, तो उसमें भी हमारे बहुत सारे यू नो कंट्राडिक्शन होता है। एक आइडिया लेवल पे होना ठीक है, बट अब एक मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए आपको एक यूनिटी चाहिए, तो वो यूनिटी के लिए मैं हमारा जो भी कम्युनिटी है सब मतलब लाइक जितने भी मूवमेंट्स है वो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो लोग भी एक सपोर्ट करें, और जो भी हमारा जो भी ये नेशनल काउंसिल ऑफ लीडर ये जो मूवमेंट है हमारा, वो उनको द सपोर्ट करना चाहिए और आगे आना चाहिए और आगे बढ़ा के लेके हमको एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इस पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बहुत
जरूरी जो भी मुद्दा है, और इतना बहुत जो कास्ट बेस्ड वायलेंस है बहुत खतरनाक है, और दलित वुमेन और मार्जिनलाइज्ड वुमेन के लिए बहुत कैसे मैं बोलूंगी मुझे नहीं पता, बट इट्स वेरी सीरियस इशू। सो हमें सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटी से भी सपोर्ट चाहिए, हमारे अलग मूवमेंट से भी सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियली भी चाहिए, फिजिकली भी चाहिए, आइडियोलॉजिकली भी चाहिए, और यूनिटी होना जरूरी है। जितने भी हमारे वुमेन्स है, स्पेसिफिकली मार्जिनलाइज वुमेन को एक प्लेटफॉर्म में आके मूवमेंट करना, अगर यूनिटी नहीं होता है ना, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो यूनिटी भी बहुत जरूरी है।